हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ पतंग, तो वीडियो जो कि है वो काइट से रिलेटेड है। आपको कैसे परचेस करना है, सारी सारी जो कि है कंडीशन, स्टम्प सब समझा दिया जाएगा। आप सबसे पहले कमान 30 देखें, ये पतंग जो कि है वो लखनऊ की है, और इसका जो कि पेपर शीट है वो अजंता प्लस खतीमा दोनों का दोनों मिश्रण का है। तो ये ना ही खतीमा ना ही अजंता है, लेकिन पेपर शीट बहुत अच्छी है इसकी। और ये लंबे काट की है, बहुत ही बढ़िया पतंग है ये। ये बेसिकली अच्छे गेमों में यूज़ करने के लिए की जाती है, मैदानी पतंग है काइट फाइटिंग। देन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आज की ये है कि आपको जो ये आई बटन दिख रहा है इस पर आप प्लीज़ प्रेस करें, और उसके बाद जो कि जो आपको चैनल दिख रहा है उसको आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस टाइम पे आप पतंग देख सकते हैं, ये पतंग जो कि अद्दी है अजंता पेपर पे MM की फ्रॉम बरेली। बहुत अच्छे कमान 30 लगे हुए हैं इसके, और पतंगों के अंदर आप फिनिशिंग दे सकते हैं। आपको जो कि पतंगों को अगर परचेस करना है तो आपको जो कि है वो आप कमेंट में जो कि है आप जो कि है प्राइस ना पूछा करें, बिकॉज आपको स्क्रीन पर जो कि वो नंबर दे दिया जाता है जिससे आप आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये लिमिटेड स्टॉक रहता है, जैसे ही वीडियो पोस्ट होती है वैसे के वैसे स्टॉक ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी लोगों को डिज़ाइन से और काफ़ी लोगों को स्टॉक में जो कि प्रॉब्लम होती है, तो उसका जो कि आप काफ़ी लोग जो सोचते हैं कि ट्रस्टेबल शॉप है या नहीं है, तो वो इतना सोचते रहते हैं जब तक उनको ट्रस्ट पता चलता है, जैसे वो हिस्ट्री निकालते हैं तब तक स्टॉक बच नहीं पाता है। तो उन सभी के लिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, लेकिन आप जो कि है बिल्कुल ये ट्रस्टेबल शॉप है। इतना आप इंतजार करेंगे तो फिर आप इंतजार ही करते रह जाएंगे। कमान 30 देख सकते हैं, छिले हुए कमान 30 पतंगों के। तो गाइस, जो मैंने ये जो चैनल बनाया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज काफ़ी कस्टमर, काफ़ी जो हमारे सीनियर्स होते हैं जिनके हम फुल रिस्पेक्ट करते हैं, और जो काफ़ी हमारे जूनियर होते हैं, काफ़ी हमारे भाई होते हैं, उनका रिव्यू बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस, ये जो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर देना, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। और जो कि आपको जो आपको जैसे आपने पीछे आई बटन जो दाबा था उसको चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों का हमें रिव्यू डालना पड़ता है इस वजह से, तो काफ़ी लोगों का रह जाता है रिव्यू। तो मैं चाहता हूँ कि जिन कस्टमर के पास में जो भी चीज़ जाए वो अपना रिव्यू बनाकर ज़रूर दे, ताकि सब लोगों को पता रहे कि भाई किस तरह के प्रोडक्ट जाता है और क्या क्या कंडीशंस होती है इस वजह से। तो आप प्लीज़ इस छोटी सी हेल्प करिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की मदद हो जाएगी हद से ज़्यादा, जो लोग ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं, जो ट्रस्टेबल शॉप या फिर ऐसे काफ़ी जो फ्रॉड होते हैं। तो गाइस, एक चीज़ का मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आपको अगर लिंक के अंदर किसी प्रकार का आप जो ओपन करते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर किसी प्रकार का आप लिंक को जो कि है अननोन लिंक को कभी भी आप ओपन ना करें, और जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है केवल के उस पर ही कांटेक्ट करें। अगर आप अदर कांटेक्ट पे कॉल करते हैं या फिर किसी तरह की बात करते हैं, तो कोई भी वो जो कि वो ट्रस्टेबल शॉप या फिर किसी भी ट्रैप का आपको जो कि है मतलब आपको किसी भी तरीके का फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो कि है वो FB से या फिर अदर यूट्यूबर्स जो जस्ट अभी रिसेंटली इन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है, तो उन पर जो कि है काफ़ी लोग कॉल कर देते हैं, और आप यकीन नहीं करोगे व्हाट्सअप पर मेरे पास ऐसे ऐसे लिंक और ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। काफ़ी लोग जो कि है बनाने वाले कारीगर होते हैं उनको इस तरीके से बताते हैं और पेमेंट कर देते हैं, और उसके बाद ना ही उनका पेमेंट देते हैं और ना ही उनका कुरियर चार्ज, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी प्रूफ नहीं बचता है उनके पास में, और उनका पूरा का पूरा पैसा ठग लिया जाता है। तो ऐसे आप बिल्कुल भी किसी भी आप कॉन्टेक्ट पे किसी भी तरीके के आप जो कि है पेमेंट बिल्कुल भी ना करें। आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है वो ट्रस्टेबल शॉप है, बिकॉज SKB काइट शॉप पूरे यूट्यूब से जुड़ी हुई है इस वजह से, और ऑल इंडिया ओवर काम है, बाकी काफ़ी लोग जानते हैं और आप सभी के लोगों के प्यार की वजह से। तो गाइस, ये पतंग जो कि है वो अजंता की पतंग है, मंजोली पतंग है, पेपर शीट जो कि यूज़ है इसके अंदर वो अजंता है। इसे हवा लगने के बाद आप जो कि 700-800 मीटर तक भी लड़ा सकते हैं, मांझे भी आपको हर प्रकार के मिल सकते हैं, कोई भी शिकायत किसी भी प्रकार की नहीं मिलती है। आपको जो भी मांझा चाहिए मैदान से लड़ाने वाला वो जो कि है वो आपको 1-2-3 ही मिलेगा, जो कि 6 तार का होता है। अदर अगर आप लेते हैं तो वो जो कि आपको बता दिया जाता है कि ये मैदान में यूज़ नहीं हो सकता है, तो आप निश्चित रहिए इस चीज़ के लिए। जो भी बात होती है आपकी सजेस्ट होकर आपसे ही जो कि ये पूछी जाती है, उसके बाद में आपको प्रोडक्ट दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो कि आप कमान 30 देख सकते हैं, ये मंजोली है, मंजोली का पैटर्न है। आप सभी को मैं जो कि है अभी पतंग जो कि है वो सबकी कमान 30 आसानी से दिखाऊँगा, ताकि आपको जो कि है वो सब चीज़ें समझ में आ जाए। ये कमान 30 काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं इसके अंदर, कमान से लेके 30 दोनों के दोनों छिले हुए हैं,
और जो पेपर शीट यूज़ है इसके अंदर वो शायद जो कि बटर पेपर प्लस खातिमा पेपर, दो पेपर शीट यूज़ है। इन दोनों पेपर शीट का यूज़ एक्चुअली में इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका जो कि वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है, जिसकी वजह से हवा में जो कि इसकी गति काफ़ी तीव्र गति से काम करती है। तो ये मंजुली है, बहुत ही खूबसूरत है और आप इसके अंदर फिनिशिंग देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो पेमेंट का मेथड रहता है वो एडवांस रहता है, कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी जो कि है काइट से रिलेटेड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से जो कि है वो वर्क होता है, और जयपुर के अंडर में जो कि है आप कहीं पे भी अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। एसके भी जो कि है बिल्कुल आपके घर तक डिलीवर करता है, बिकॉज पर डे जो कि मेरे हिसाब से एक या दो पार्सल जो कि डिलीवर होते हैं सिर्फ जयपुर के अंडर। वो पर केजी जो कि आपको यूनिट बता दी जाती है कितनी लगती है, फ़ोन पर ही आपको बता देते हैं। अगर आपको सूटेबल होता है तो आपके घर तक जो कि है पहुँचा देते हैं, नहीं तो जो कि आपको शॉप पर आना पड़ता है। और कुरियर जो कि अगर आपको इंडिया से या राजस्थान से बाहर कहीं पर भी चाहिए तो आपको आसानी मिल जाती है। ये जयपुर की सबसे ज्यादा फेमस पतंग है, कौवी अद्दी। तो काफी पतंगों के बारे में आपको बता नहीं पाया हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। और आप सभी से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मैंने चैनल बनाया है इसको आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, प्यार जरूर करें, क्योंकि ये चैनल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज गाइस, काफी लोग फ्रॉड से जो कि है फंस जाते हैं, तो उन लोगों को फ्रॉड से हमें बचाना है। बाकी आप सभी की अपनी अपनी मर्जी होती है। तो हम सब देखते हैं, ये गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पतंग है, ये मुरादाबाद की पतंग है, अद्दी फुल टूर्नामेंट साइज की पतंग है, गोल फर्मा है, बहुत ही बढ़िया। तो इसका प्राइस मोस्टली जो कि 10 रुपये के अंडर में ही आता है, शायद मेरे हिसाब से 10 रुपये के आसपास की पतंग है, 10 या 11 रुपये की। काफ़ी लोग भाई 14 या फिर 15 रुपये अद्दी बोल रहे हैं, तो इस तरीके से काम नहीं हो पाता है। और इसका प्राइस जो कि मोस्टली 6 रुपये है इस अद्दी का, जो जयपुर की पतंग है। इसका आप कमान 30 देख सकते हैं, इसका प्राइस शायद जो कि है वो 10 रुपीज़ या 11 रुपीज़ है, लेकिन पतंग बहुत अच्छी है। ये मुरादाबाद की है, कमान 30 जो कि इसके अंदर वो देसी लगे हुए हैं, यानी अगर इसके अंदर जो हल्के कमान 30 हैं आप उसको हल्की खींच की यूज़ कर सकते हैं, और अगर थोड़े से हैवी लगे हुए हैं तो आप तेज़ हवा में जो कि चक्कर में लड़ा सकते हैं। लंबा काट का यूज़ जो कि है केवल खींचने के लिए किया जाता है, और जो इसमें पेपर शीट यूज़ है वो अजंता यूज़ है। तो चलिए मैं आपको कमान 30 दिखा देता हूँ उन सभी पतंगों के एक बार। और कमान 30 दिखाने से पहले जो कि मैं चैनल बनाया है आप उसमें जाके वीडियोस का रिव्यू दे सकते हैं। काफ़ी कस्टमरों को जो कि मैं रिव्यू डालूंगा वो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में कस्टमर के पास में क्या चीज़ पहुंच रही है। और आप सभी को ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमारे पास में हमारी मेहनत के पैसे का क्या कैसे यूज़ किया जा रहा है। आई होप आप मुझे छोटी सी मदद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो गाइस इसमें कमान 30 आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे कमान 30 लगे हुए हैं। और इसके अंदर मैं आपको पेपर शीट दिखा दूँ तो पेपर शीट मैंने आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, इसमें जो कि है वो अजंता प्लस खातिमा दोनों पेपर शीट यूज है, बहुत ही खूबसूरत। काफ़ी बातें हैं जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि काफ़ी ज़रूरी रहता है बताना, क्योंकि बताना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि काफ़ी लोग जो कि वो कमेंट करते हैं, शायद हो सकता है कि वो बात सुन ना पाते हों, इसलिए जो कि मैं वापस रिपीट करता हूँ। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो शायद हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता ना पाऊँ। ये गाइस मुरादाबाद की अद्दी है, देसी कमान 30 की पतंग, बहुत ही खूबसूरत है। इसका काट जो कि मीडियम काट है, यानी आप इसको फंसा के भी लड़ा सकते हो, प्लस इसका जो कि आप खींच के भी लड़ा सकते हो। बेसिकली जो कि है इसको प्लेयर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं जो कलाकारियाँ करते हैं पेचों में, क्योंकि ये मीडियम काट है और तेज़ हवा में तो बहुत खूबसूरत काम करता ही है। ये देख सकते हैं आप, थड्डा काफ़ी लचीला है इसका, और आप पत्ता भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत है यूज़ है इसके अंदर। पत्ता भी शायद अजंता पेपर यूज़ है और ब्लैक पेपर में है, और ये सारी मोस्टली आपको पतंग जो कि है ब्लैक में ही मिलेगी। और मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो क्वांटिटी है पतंग की, वो जो कि है वो 1000 ही बनकर आई है इस टाइम पे, क्योंकि हम सब जानते हैं हालत कैसे हो रहे हैं इस वजह से। तो हो सकता है आपको पतंगों की जो कि संख्या ना मिल पाए ये। और जो कमान की और थड्डे की बात कर दूँ तो थड्डा जो कि सुईदार है, मतलब सूरीदार लगा हुआ है, यानी नीचे से मोटा ऊपर से एकदम पतला, बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है इसके अंदर। और हो सकता है कि जो कि स्टॉक है वो लिमिटेड स्टॉक है, और इंस्टाग्राम पे जो मैं पोस्ट डालता रहता हूँ ताकि आपको जो कि हर टाइप की पतंगें मिलती रहे। तो ये बरेली की पतंग है, MM की, बहुत खूबसूरत कमान 30 लगे हुए हैं इसके अंदर। आप इसको जो कि है 600 या 700 मीटर भी आसानी से लड़ा सकते हो, मिनिमम जो कि अद्दी की रेंज यही होती है, एक अच्छी अद्दी की। तो देख सकते हैं इसकी जो कि प्राइस है 7.5 रुपये है, और फिनिशिंग देख सकते हैं, काम देख सकते हैं, और अलग अलग पैटर्न भी हैं, बहुत खूबसूरत।
काफ़ी जो कि अद्दी का प्राइस लोगों ने इतना हाई कर रखा है कि 12 से लेके 14 की पतंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइस। चाहे से फिर वो लखनऊ की पतंग हो चाहे कहीं की भी पतंग हो, मेरे पास हर टाइप का स्टॉक आता रहता है, लखनऊ, मुरादाबाद, इलाहाबाद, जैसा जैसा स्टॉक आता है। अगर मेरे पास में वीडियोज़ बनाकर आप सभी को दिखाने का समय हो पाता है तो मैं ज़रूर और हमेशा वीडियोज़ बना के दिखाता रहता हूँ। तो बेसिकली काफ़ी समय जो कि हमारा शॉप को दिखाने में ही चल जाता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें दिखाना, क्योंकि काफ़ी लोगों को पतंग चाहिए इस टाइम पे। और जैसे हम सब जानते हैं कि जनवरी के टाइम पे जो सीज़न आ रहा है, तो इस टाइम पे जो कि थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। कमान थड़े देखें तो काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, छिले हुए इसमें जो कि छिली हुई कमान लगी हुई है, बहुत खूबसूरत। इसको आप खींच के भी लड़ा सकते हो, फंसा के भी लड़ा सकते हो। ये मंजोली है बरेली की, अफजल की। और ये आपको पतंग दिखा रहा हूँ गाइस, ये पतंग देख सकते हैं आप, ये पतंग जो कि है लखनऊ की बनी हुई पतंग है। ये मंजोली जो कि है लखनऊ की पतंग बनी हुई है, 6.5 रुपये प्राइस है इसका मोस्ट। और ये अद्दी पतंग है जयपुर की, जिसका प्राइस जो कि 6 रुपये पेपर शीट इसके अंदर जो कि अजंता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो कि है स्किप कर देते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं। तो इसके कमान थड्डे जो कि बहुत अच्छे लगे हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें जो कि आपको मोस्टली पतंग जो कि वो हल्की ही मिलेगी, क्योंकि काफ़ी जो हल्की पतंग उड़ाते हैं खींचने के लिए, जो खींचते काफ़ी तेज़ हैं, तो ये उनके लिए पतंग है। और लंबा काट का यूज़ इसमें इसलिए किया जाता है ताकि मोटा ना बहके। और जयपुर जो कि पतंगबाजी है जयपुर को, खींचम दाने की बहुत ज़्यादा होती है, छत से काइट फाइटिंग जो कि है इसका 300 या 400 मीटर पर आसानी से इन पतंगों को लड़ा सकते हैं आप। पतंग बहुत खूबसूरत है और स्टॉक जो कि लिमिटेड स्टॉक रहता है, क्योंकि कारीगर भी जो कि पर डे पर मंथ कितनी बना पाते हैं, बहुत मुश्किल से बना पाते हैं। और जैसे जैसे सीज़न आता है, तो सीज़न आने के बाद में फिर कारीगर जो कि कमान थड्डे का काम जो कि है और पतंग का काम जो कि है वो प्रेशराइज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो कि पतंग के अंदर काम अच्छा नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ अलग पैटर्न था जिसका प्राइस भी मोस्टली 7.5 रुपये है, अद्दी है। सो गाइस, हम सब देख सकते हैं ये मंजोली पतंग है। इसमें पेपर शीट जो कि यूज़ है वो बटर पेपर की है, मुड्डेदार पतंग है। सारी सारी ताज़ी पतंग बन के आई हैं, धीमे धीमे रखे रखे सबके अंदर और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ताज़ी पतंगों में मोस्टली कम फिनिशिंग रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप रखोगे पतंगों को, तो पतंगों के अंदर फिनिशिंग बहुत आ जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को बताना, हालांकि हर एक बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन SKV गाइड शॉप पे एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्टॉक जो कि वो रुक नहीं पाता है कभी भी, क्योंकि कम दामों में और सही चीज़ अगर आप किसी को भी देते हो तो एक कस्टमर जोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सब जो कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं SKV पे। और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में ही कॉल करा करें। काफ़ी लोग जो कि हैं रात के 1 बजे कॉल कर देते हैं, रात के 10 बजे, 11 बजे कभी भी कॉल कर देते हैं, सुबह 6 बजे या फिर 5 बजे कॉल कर देते हैं। सबका अलग अलग उठने का अलग अलग रूटीन होता है, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको जो नियमित समय दिया गया है उस पर ही आप कॉल करें, आपको रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा मिलेगा जो कि है। और आप सभी का इतना प्यार, इतना सपोर्ट है कि आप लोगों ने SKV काइट शॉप को आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि लोग जो कि है बहुत पहले ही एडवांस में पे कर देते हैं, इतना भरोसा है, बिकॉज ये सब आपके प्यार की वजह से ही है। और आप सब जो कि मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, इतनी उम्मीद रखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए एक अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। और जितनी भी मैं आपको पतंग दिखा रहा हूँ, ये मंजोली है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डिज़ाइन से लेकर और मान जाइए कलर में बहुत समस्या पैदा होती हैं मोस्टली, जो कि आपको बहुत मुश्किल से ये सब चीज़ें मिल पाती हैं। तो कलर्स और पतंगों के मोस्टली जो डिज़ाइंस होते हैं मांझे से रिलेटेड, बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। जो भी स्टॉक में होता है वो सब के सब दे देते हैं, कलर्स बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो जो भी है, अब पतंगें जो कि हम काउंट कर रहे हैं, ज़्यादा पतंग तो नहीं है गाइस, ये 500 पतंग है जो कि हमारे लखनऊ में जा रही हैं ये पतंगें। तो ये खास पतंगें इतनी मतलब है नहीं, मतलब जितना डिज़ाइन है उतना मिक्स कर दिया है, कस्टमरों की डिमांड होती है कि हमें कलर्स सारे मिक्स करके दे देना। और हुए भी क्यों ना, बिकॉज वो 400 पतंगें ले रहे हैं, तो उसमें उनको एक ही डिज़ाइन तो चलेगा नहीं। तो ये सारी सारी डिज़ाइन अलग अलग हैं, अलग अलग जो कि सारी मंजोलियाँ हैं, पतंग हैं। मंजोली बहुत लोग मांगते हैं क्योंकि इनका कॉस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी लोग जो कि 8-8 रुपये की पतंग हैं उनको मिल रही हैं, और वो भी कोई काम की नहीं है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से 6 या 6.5 रुपये की पतंग अगर उनको मिले तो ज़्यादा बेस्ट है। ये सारी सारी पतंग जो कि आपको छिले कमान थड्डे दिखेगी, ये अद्दी पतंग भी रखी हैं जो इन्होंने 200 पतंगें मंगवाई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सही चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोज़।